स्वागत करती दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे एक मजेदार रेसिपी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और लाल कलर का बटन है उसे थपकी दे बिहार से, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पे पचफोरन लिया है आधा चम्मच। आप यहाँ पे जीरा का नहीं खाता है कोई तो मैंने जीरा नहीं डाला है। मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली है, इसे भी डाल लेना है इसके अंदर और अच्छे से मूंगफली को भूनना है, यानी कि रोस्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सिंगदाना यानी पीनट है ये क्रैक होने लगा है, तो मैं यहाँ पे एक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी मीडियम साइज का, कुछ हरी मिर्चें और लहसुन अदरक को एक ही साथ कूट लिया था तो इसे भी डाल देंगे हम। तो अच्छे से इन्हें भून लेना है। फ्रेंड्स, हमारे प्याज और मिर्च लाल हो गए अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच गरम मसाला डाला है। आप यहाँ पे कोई भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। थोड़ी चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है पाव किलो आलू जिसे अच्छे से मैश कर लिया है मैशर से, और एक कटोरी मैंने यहाँ पे पोहा लिया जिसे धो के अच्छे से फोड़ लिया, इसे भी मतलब मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने पोहा लिया है। आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोहे की जगह पे टोस्ट भी डाल सकते हैं या फिर आरा रोट डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है एक चम्मच, और एक चम्मच भर के मैं इसमें आमचूर पाउडर डालूंगी। दोनों नमक मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब करेंगे कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, इसे भी डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है स्पेशली आमचूर पाउडर की, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस का फ्लेम फ्रेंड्स लो पे रखना है और अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये रेडी हो गया है। तो चलिए अब इनके बना लेते हैं कटलेट। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ये मसाला लेना है और इसे सिलेंडर आकार में बना लेना है। आप अपने मनचाहे आकार में बना सकते हैं, पर मैं इसे सिलेंडर आकार दे रही हूँ, अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसे बना लेना है, तो छोटे छोटे ऐसे ही बना ले रही हूँ सभी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कुछ कटलेट बनके रेडी हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है तीन चम्मच मैदा, आप यहाँ पे अरारोट भी ले सकते हैं। तो इसमें डालना है पानी, तो इसका घोल बनाएंगे हम। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक, रेडी है ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घोल रेडी है। तो यहाँ से कटलेट उठाना है, इसके अंदर डिप करना है अच्छे से, पूरा अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देना है। और यहीं पे मैंने सेवई ली है जिसे अच्छे से फोड़ लिया है, तो ये देखिए अच्छे से सेवई इसके ऊपर लगा देना है। आप यहाँ पे ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपके पास जो इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह सेवई को झाड़ लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से कटलेट हमारा बना लेना है। ये देखिए अच्छे से कोट हो गया है, तो इसे मैं रख दे रही हूँ साइड में। तो इसी तरह से हमें दूसरा वाला भी लेना है और सेम प्रोसेस से इसे भी डिप कर देना है सेवई से। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है कटलेट, हमारा वेज कटलेट। ये देखिए इसी तरह से करना है, झाड़ लेना है। ये फ्रेंड्स, हमारे क्यूट से कटलेट रेडी हो गए हैं, तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम कर दिया था, तो एक एक इसमें डिप कर दे रही हूँ। ये देखिए, इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। पहले मैंने पहले गरम होने के लिए रखा था तेज आंच पे, अब मैंने आंच को धीमा कर दिया है। पलट लेना है अच्छे से एक एक, ये देखिए कितने मस्त फ्राई हो रहे हैं।
कटलेट में। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए मस्त लग रहे हैं ना। हमारे सभी कटलेट फ्राई हो गए हैं, कितने मस्त। तो मैं इन्हें कर रही हूँ डिश आउट। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ये, इन्हें तो खाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन अभी से खा जाएंगे। और आप लोग रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, कमेंट में लिखना ना भूले कैसी बनी है। एक बार जरूर ट्राई करें ये कटलेट, वेज कटलेट तो मस्त है ये। दोस्तों ये देखिए हमारा सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना सुपर टेस्टी, सुपर लाजवाब लग रहा है, एकदम खतरनाक। तो इसका मैं तेल झाड़ ले रही हूँ इसका। और ये देखिए, तो इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे और इसके लिए बनाएंगे धमाकेदार अभी चटनी। तो लग रहा है ना ये टेम्पटिंग, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे भुना हुआ सिंगदाना लिया है, 4-5 मिर्ची ली है, थोड़ी सी धनिया है और लहसुन के पत्ते हैं। और हम नमक डालेंगे इसके अंदर और इसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। तो हमारे कटलेट भी रेडी एकदम गर्मा गर्म और हमारी चटनी भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस चटनी के अंदर डिप करना है और गर्मा गर्म इसे सर्व करना है। बहुत ही मस्त लगता है खाने में, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें।